एक ऐसा त्यौहार है जिसका महिलाओं को हर वर्ष इस दिन का इंतजार रहता है। इस दिन महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र के लिए व्रत कर पूजा अर्चना करती हैं। त्योहारों को लेकर तैयारियां कई दिन पहले से शुरू हो जाती हैं, जिसमें महिलाएं आभूषण, कपड़े, श्रृंगार और पूजा सामग्री की खरीदारी करती हैं। करवा चौथ का व्रत सौभाग्य, सुख और समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। इस दिन शिव परिवार और भगवान गणपति की पूजा होती है। हर साल कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को करवा चौथ का त्यौहार मनाया जाता है। हिंदू धर्म में यह त्यौहार सुहागिन महिलाओं के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है। करवा चौथ के दिन सुहागिन महिलाएँ अपने पति की लंबी उम्र के लिए पूरा दिन निर्जल उपवास रखती हैं और माँ करवा से सुखी दाम्पत्य जीवन की प्रार्थना करती हैं। फिर पूरे दिन महिलाएं चांद के दीदार का इंतजार करती हैं। रात को चंद्र दर्शन करने के बाद ही व्रत पारण किया जाता है। करवा चौथ त्यौहार के लिए बाजारों में हो रही जबरदस्त खरीदारी से व्यापारियों के चेहरे भी खिले हैं। इस त्यौहार पर आभूषण, कपड़े, श्रृंगार और पूजन सामग्री की खरीदारी अधिक होती है। आज भी बाजारों में महिलाओं की खासा भीड़ देखने को मिली है। तो वहीं आप देख सकते हैं कि महिलाएं आज करवा चौथ पर साड़ी व सामग्री की खरीदारी में व्यस्त हैं। आज भी बाजारों में काफ़ी भीड़ देखने को मिली है। तो वहीं जब हमने दुकान पर मौजूद महिला से बात की तो उन्होंने बताया कि इस त्यौहार का उनको बेसब्री से इंतज़ार रहता है। पिछले वर्ष त्यौहारों को ज़्यादा उत्साह के साथ नहीं मना पाए थे, लेकिन इस बार वो कमी पूरी करनी है। तो वहीं कहा कि उनके पति ने उनको तोहफे के तौर पर साड़ियाँ भी दिलाई हैं। आपका इस वक्त करवा चौथ को लेकर के आपके द्वारा क्या तैयारियां की गई हैं? करवा चौथ में मैं बहुत ही एक्साइटमेंट हूँ और हम सारी लेडीज़ ने मिलकर मेहंदी लगाई है। शाम की बहुत सारी तैयारियां भी हैं और पकवान वगैरह भी बनाए, एंजॉयमेंट है। मैं अपने पति के साथ बहुत ही करवा चौथ स्पेशल मनाना चाहती हूँ। आपका क्या नाम है मैम? दीपा अग्रवाल। करवा चौथ को लेकर के क्या तैयारियाँ चल रही हैं? तैयारी बहुत हुई है, मैंने शॉपिंग की है 3-4 दिन पहले से ही कर दी थी और मेहंदी लगाई है और शाम को मतलब पकवान वगैरह तैयारी करेंगे और पूजा भी सब लोग साथ में करते हैं, बड़ों का आशीर्वाद लेते हैं। मैम आपका? पीयूषी मिश्रा। इस वक्त करवा चौथ को लेकर के आपकी क्या तैयारियाँ रही हैं? मैं इस बार तो बहुत ज़्यादा तैयारी हूँ क्योंकि लास्ट ईयर तो कुछ खास नहीं कर पाई थी, तो लास्ट ईयर की कमी को पूरा कर रहे हैं। इस त्यौहार पर सुहागिनों में भारी उत्साह देखने को मिलता है। बाजारों में पसंद की साड़ी व आभूषण खरीदने के लिए दुकानों पर महिलाओं की दिन भर भीड़ रही। बाजार में मिट्टी से लेकर सोने तक का करवा बिक रहा है। तो वहीं दुकानदारों ने बताया कि कोरोना इफेक्ट पिछले साल दिखा था, इस बार भी साफ तौर पर देखा जा सकता है। पूजन सामग्री बेचने वाले दुकानदार बताते हैं कि बिक्री ना होने की वजह से पिछले साल के सामान को ही इस बार भी बेचने का प्रयास किया जा रहा है। नाम क्या है? मेरा नाम मिस्टर गोपाल गंगवानी, मैं मानिक चौक हिमालय साड़ी का संचालक हूँ। इस बार करवा चौथ को लेकर क्या क्या तैयारियाँ रही हैं? इस बार करवा चौथ का रिस्पांस और सालों की तुलना में काफी बेहतर रहा। इस बार करवा चौथ पे साड़ियाँ तो खूब बिकी, साथ में लहंगा चुनरी का भी बहुत बढ़िया रिस्पॉन्स रहा। इस बार यहाँ करवा चौथ में लेडीज ने जो ड्रेसेस आ रही हैं आजकल, इंडो वेस्टर्न ड्रेसेस, लॉन्ग कुर्ती वाली ड्रेसेस, अनारकली ड्रेसेस, क्रॉप टॉप्स, गाउन्स, उसमें भी खूब रुझान आया, खूब अच्छा रिस्पांस आया। कोरोना काल के बाद अच्छा रिस्पांस आया इस बार? हाँ, पिछले 2 सालों से तो कोरोना में करवा चौथ कुछ था ही नहीं, लेकिन जो इस बार रिस्पांस आया वो सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए, पिछले 10 सालों के रिकॉर्ड तोड़े हैं इस बार में। तो बहुत बढ़िया रिस्पॉन्स रहा और हम लोगों ने भी चूँकि बहुत जोरों शोरों से तैयारी कर रखी थी, साड़ियों में कई नए प्रकार की साड़ियाँ आ गई, ड्रेप साड़ी आ गई। किस किस प्रकार के आपने स्टॉक्स रखे थे इस बार दुकान पे? इस बार सबसे ज़्यादा तो बिकी हैं ड्रेप साड़ियाँ, रेडी टू वेयर साड़ी जो आजकल आ रही हैं, जो कस्टमर को पहनने में बहुत ईजी होती हैं। ड्रेप साड़ियाँ बहुत अच्छी बिकी, इस बार सिल्क की साड़ियाँ बहुत अच्छी बिकी, इस बार शिफॉन की भी बहुत बहुत खूबसूरत रेंज आई। बाजार में भीड़ तो अच्छी हुई करवा चौथ की, ग्राहकी भी अच्छी हुई है, क्यों 2 साल से कोरोना काल चल रहा था तो 2 साल बाद बाजार में कुछ रौनक आई है। ऐसा करवा चौथ को लेकर क्या क्या तैयारियां रही मार्केट में? करवा चौथ को लेकर भाई साहब तैयारियां तो पूरी रही, लेकिन बाजार में कुछ साफ नहीं था, तो इसलिए मार्केटों में रहा कई 500 रुपये में जो रहा, पिछले सालों
और बाजार फिल हो रहा। कोरोना काल के बाद कैसा रहा मार्केट? कोरोना काल से तो बाजार बढ़ता है, कोरोना काल से तो पिछले साल से और बढ़ता है, इस साल से कोरोना काल में और बढ़ता रहा। कितने का करवा बेच रहे हैं आप अभी? 20-25 रुपए का सेट चल रहा है। कोरोना काल के पहले कितने का था करवा? 20 रुपए का था और अभी भी 20 रुपए का ही है। तो आपको क्या लगता है सर, मार्केट में भीड़ ज़्यादा नहीं रही? भीड़ तो ऐसा है कि आप ही लोग सभी लोग देख रहे हैं कि भीड़ तो बहुत कम रही, ना उतनी गैदरिंग रही, ना जितना उतनी नहीं रही। झांसी से हर्षदीप अरोरा की रिपोर्ट। PK University, build a great career at PK University. Admission open for medical science, B pharma, M pharma, BSc, B tech, M tech and polytechnic diploma. Contact now www.pkuniversity.edu.in. Address Thandra Village, Jhansi Road, Shivpuri.